तो अभी दोनों हमारे कबूतर और कबूतरी निकल चुके हैं। बहुत दिनों बाद दोनों साथ में निकले हैं और हमारा मोंकी इधर में कुछ ढूंढ रहा है तो उसको तो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारी जो चाइना मुर्गी है ना, अभी इधर पिंजरे में बंद है, तो मैं इन लोगों को सोच रहा हूँ कि खोल दूँ थोड़ा देर के लिए, बाहर निकाल देता हूँ और घूम लेंगी इधर और कुछ कुछ खा भी लेंगी। और हमारी जो ये मोंकी है और रेविट है और कबूतर हैं वो अंदर में खुले हुए हैं, तो वो लोग भी को मैं दिखा दूँ कि वो लोग कैसे घूम रहे हैं। अरे ये देखो मोंकी, मोंकी है, मोंकी। ये रेविट देखो शांत में है, बिल्कुल शांत में बैठा हुआ है, अभी इसको मारे मत। मोंकी बंदा को भी खा रहा है, हैं? तो दोस्तों अभी इन लोगों को हमने सब सारे को खोल दिया है सब लोगों को, और इधर कबूतर हमारा घूम रहा है और इधर जो है एक रेबिट है इधर साइड में घूम रहा है। तो अभी जो हमारी कबूतरी बाहर निकली हुई थी वो अभी अंदर घुस चुकी है, और घुसने के बाद वो अपने अंडे पे चली गई है। और ये जो हमारा कबूतर है ना इस साइड में, ये अभी घूम रहा है, घूमने देते हैं इसको, थोड़ा टहल लेगा। और ये हमारा मोंकी कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, इसको आज मिलने वाला नहीं है, मैंने सब चीज़ जो है ना छुपा रखा है। और क्या मोंकी, कुछ मिला तुमको खाने के लिए? हैं, कुछ मिला? नहीं मिला ना, घूमते रहो तुम। और हमारी जो चाइना मुर्गी है ना वो उस साइड में हम लोग खोल दिए हैं, और वो लोग जो है कि अभी घूम रही है पूरी, अब घूम लेगी ना तो थोड़ा उन लोग का मन फ्रेश हो जाएगा। और वो लोग को तो बंद ही रखते हैं, हम लोग खोलते हैं नहीं, और जो क्यों इसलिए नहीं खोलते हैं कि वो जो है ना फर्श जो है फर्श को तोड़ करके पूरा खड्डा कर देती है, और वही बालू और सीमेंट का जो मटेरियल निकलता है उसमें से वही वो लोग खाता है। और ये अभी बंदा को भी खाएंगे, और ये एक का किधर गया है, किधर, एक मिनट, एक इस साइड में चला गया। अरे मेरे को लग रहा भाग रहा था, नहीं भाग नहीं रहा, इधर ही में है। तो अभी ये जो हमारे रेबिट है ना, रेबिट अभी पूरा जोर शोर से बंदा को भी खा रहे हैं। इन लोगों को जो है ना बहुत देर से हम लोग बंद कर रखे थे, खोले नहीं थे, तो अभी ये लोग सब लोग साथ में खाएंगे। और हमारा जो कबूतर है वो सिंगल उस साइड में घूम रहा है, तो उस साइड में घूम रहा है। तो इस साइड क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, निकलो इधर से, निकलो 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 निकलो। ये देखिए दोस्तों हमारा जो कबूतर है वो पूरा उसका पंख जम गया है, तो अभी वो उड़ रहा है, उड़ना लगा है। देखते हैं अभी एक बार उड़ गया, देखिए दोस्तों ये देखिए हमारा जो कबूतर है पूरा उड़ने लगा है, तो अभी उसके पंखे पूरे जम गए, और उसकी जो मैदिन है कबूतरी उसके भी पूरे पंख जम गए हैं। तो ये लोग अभी जो है ना अभी उड़ने लगा है, और ये अंडा दे चुका है ना इसलिए भागेगा नहीं रूम से, जब तक इन लोगों के पास अंडा है उनका बच्चा है तब तक ये लोग रूम से भागेगा नहीं, ये इसी घर में रहेंगे। और ये हमारा मोंकी उधर जा रहा है, गेहूं का बीज, गेहूं डाल रखे हैं ना वो सब इधर से बिन बिन के खा रहा है एक करके। इसको हम दे देते हैं कुछ सेब, बहुत देर से भूखा हुआ है, तो अभी सेब में रख रखा हूँ, इस वहाँ टांग रखे थे तो वहाँ से हटा दिया हूँ, और उठा करके वहाँ से इस साइड में ऊपर में रख दिया हूँ, तो मैं अभी वहाँ से निकाल लेता हूँ। मोंकी देखिए आ गया, ये ले भाग रहा है, देखिए कैसे लेके भाग गया। वो समझ गया था कि इधर ऊपर में जो है ना ऊपर की साइड में हम लोग रख रखे हैं, और ये फिर रख देता हूँ, नहीं तो वो जो है ना वो चढ़ जाता है, चढ़ करके और सारा पन्नी ओनी फाड़ देता है, और दूसरा नंबर की वो लेता है और काट काट के फेंक देता है। उसको ज़्यादा मिलता है ना तो खाता नहीं है ठीक से, मनमौजी खाता है, मतलब बेस्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके देंगे। खा लेगा ये केला पूरा तब उसको हम लोग दोबारा देंगे। और हमारे जो रेबिट हैं इस साइड में चाइना मुर्गी के साथ में खा रहे, अरे ये चाइना मुर्गी इन लोगों को मार नहीं रही है, चलो ये लग रहा है ना इन लोगों से दोस्ती हो गया है इन लोगों का, इसीलिए इसको मार नहीं रही, नहीं तभी तक तो इसको चोच लगा दिया होता। तो साथ में दोनों खा रहे हैं, सब साथ में रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक हमारा जो कबूतर है ना, वो बिल्कुल अकेला सा रहता है, उस साइड में चला गया है, उस साइड में उसको क्या मिल रहा है, लग रहा है हम लोग जो बाहरते हैं ना उसमें दाना वाना चला जाता है, इसलिए जो है वो उस साइड में जाकर के खा रहा है, तो उसको वहीं खाने देते हैं। और ये हमारी चाइना मुर्गी जो है इधर में बंदा गोभी के साथ में लगी हुई है अपने रेबिट के साथ में, और हमारी जो कबूतरी है वो चली गई है अपने घर के अंदर, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वो जो है अपने अंडे पर बैठ गई है इसी के अंदर में, देखिए वो देखिए दोस्तों वो अपने घर में बैठ गई है पूरा अंदर अंधेरे में, वो कोने में अंडा दे रखी है। और बहुत जल्दी हम लोगों को
का जो बच्चा देने बच्चा निकालेगी वो हम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और हमारा जो मंकी है ना इस तरफ से कैसे खा रहा है मंकी मंकी। देखिए दोस्तों ये पूरा खाएगा नहीं, इसलिए नहीं खाएगा कि इसको इसका उतना बड़ा पेट नहीं है, इसका छोटा सा पेट है और ये अभी थोड़ा सा मन भर खाएगा और उसके बाद मन भर जाएगा तो उसके बाद उसको क्या करेगा काट काट के फेंक देगा, फेंक करके उसको छोड़ देगा। और हमारी जो चाइना मुर्गी है ना वो उस साइड में बहुत उड़ रही है, उस साइड में देखो वो देखिए कैसे बड़ी हो रही है, देखिए अभी कैसे उड़ती है ये देखिए। तो ये लोग अभी रेबिट के साथ में खा रहे हैं, ये लोग को मार नहीं रहे ये लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग मिल से गए हैं और उसको रेबिट को मार नहीं रहे। ये तो अभी तक तो उसको चोच लगा दिया होता। सुबह जो है ना मंकी को तो मारा ना, मंकी बहुत तगड़ा दौड़ के मेरे पास भाग के आ गया था। अभी जो है ना वो लोग साथ में मिलकर खा रहे हैं और मेरे को लग रहा है ना कि मंकी को भी अभी ये लोग नहीं मारेंगे और ना ही कबूतर को, क्योंकि ये लोग पिंजरे बंद रहते हैं ना तो इन लोगों को भी अब एहसास हो गया है कि हम लोगों को मारेंगे तो हम पिंजरे में रहेंगे, इसीलिए जो है ना थोड़ा सबक सीख गए हैं। सबक सीखने के बाद ये लोग को अभी थोड़ा उतना हरकत नहीं कर रहा, फर्श भी नहीं तोड़ रहा है, लोग लग रहा है समझ गया है लोग बहुत। तो दोस्तों अभी इन लोगों को चाइना मुर्गी को ना वहाँ पे एक थाली में जो है पानी दे देते हैं, वो लोग पानी पिएगा और उधर जो है उसको थोड़ा गेहूँ छीट देते हैं उस साइड में जो कि वो खा लेगा। तो अभी चलते हैं, इधर हमारा इस साइड में थाली रखा हुआ है, हम थाली ले लेते हैं और वहाँ जा कर के यहाँ पे रख देते हैं जो है कि पीलेगा। और इधर हमारे लोगों की बोतल है, इधर से ले करके हम लोग पानी उसको दे देते हैं। पानी देने से क्या होगा कि वो लोग जो प्यासा होगा ना पानी पी लेगा। और थोड़ा मैं उसको गेहूँ दे दूंगा, देखिए आ रहा है थाली के पास पानी देख करके। अरे अरे अभी हमने पानी इसको में डाल दिया है, वो लोग पी लेगा। और जो है थोड़ा मैं गेहूँ दे देता हूँ उन लोगों को कि जो थोड़ा बहुत भूख लगा होगा ना वो अपना भूख मिटा लेगा। जो बंदा गोभी है ना वो लोग ऐसे ही फेंक दिया है, तो अभी मैं थोड़ा उसको गेहूँ दे देता हूँ। तो इस साइड में हम लोग गेहूँ तो यहीं रहता है, लेकिन मैंने तो अभी उधर टांग दिया हूँ ना उस साइड में, तो मैं अभी उतारना पड़ेगा मुझे, यहाँ से ले लेता हूँ और ले करके और उस साइड में थोड़ा दे देता हूँ उस साइड में उन लोगों जो दरबा है ना घर, उन लोगों के घर के आगे दे दूंगा। ये क्या कर रहा है, ले गेहूँ का खाओ। तो दोस्तों अभी हमारी चाइना मुर्गी जो है वो गेहूँ खाने लगी है और उधर पानी भी मैंने रख दिया हूँ जो कि वो लोग प्यास भी लगेगा तो वो पानी पी लेंगी। और हमारा जो बंदा गोभी है ना बेकार हो रहा है, मैं उसको उठा करके और उधर रख देता हूँ, क्योंकि उधर रख देने से क्या होगा कि खरगोश भी है वो लोग खा लेगा और जब इन लोगों को भूख लगेगा तब मैं इन लोगों को दे दूँगा। तो अभी मैं उसको उठा लेता हूँ और उठा करके उधर रख देता हूँ। इस साइड में रख देता हूँ, हमारा सब्जी इधर ही रखाता है तो इस साइड में मैंने रख दिया। और हमारे इधर जो कबूतर हैं और रेबिट हैं घूम रहे हैं पूरे कितना अच्छा लग रहा है मेरे को ये सब साथ में है, सब एक साथ में। अरे उसको मार रहा है वो तो, मतलब ना जो भी है ना कि इस रूम में हमारे फैमिली मेम्बर मतलब हमारी मिनी जॉब में जो भी कमज़ोर है ना तो एक रेबिट ही कमज़ोर है जो कि उसको सभी मारते हैं। बंदर भी मारता है, मंकी जो है हमारा वो भी मारता है, और जो कबूतर है वो भी मारते हैं, और ये जो हमारी चाइना मुर्गी है वो भी मारती हैं। तो अभी तो चाइना मुर्गी जो है उनके साथ खा रही थी तो वो लोग अभी नहीं मार रही हैं, इसलिए नहीं मार रही कि वो गुलमुल सी गई हैं, उन लोगों के साथ दोस्ती हो गई है, वो लोग पहचान लिया लोगों के साथ में एक साथ रहने देते हैं ना तो लोग जान गए हैं, तो अभी उसको वो लोग नहीं मारते। कबूतर जो है ना थोड़ी कुछ दिनों में वो भी पहचान जाएगा और वो जो हमारा रेबिट है उन लोगों को मारेगा नहीं। और इस कबूतर को मेरे को लग रहा है यहाँ पर कुछ अनाज उनाज दिख रहा है, वो बार बार वहीं जा रहा है हम लोगों के कूड़ेदान के पास, तो क्योंकि कबूतरों के तो आँख बहुत तेज़ होते हैं ना, चील से भी आँखें तेज होती हैं। हमारी जो चाइना मुर्गी है और रेबिट हैं कितने अच्छे घुल मिल से गए हैं, उधर हमारा जो मंकी है वो साथ में उन लोगों के साथ में खा रहा है, और इधर खरगोश भी हमारे जो रेबिट खरगोश जो भी बोलिए वो भी खा रहे हैं, और हमारी जो चाइना मुर्गी वो अंदर जा रही है धीरे धीरे। तो इन लोगों को मैं अभी क्या करूँ, थोड़ा घूम लेने देता हूँ। और देखिए उधर जा कर के वो फर्श तोड़ना चालू कर दिए। तो दोस्तों आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे हमारे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।